हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। दीवा में पहला पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आया था और उस पेशेंट को लेकर शासन प्रशासन काफी सख्ती दिखाई और उस पेशेंट ने कोरोना को हरा कर घर वापस लौटा है। और आखिरकार ठाणे महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सुनील मोरे ने उस पेशेंट को घर पर छोड़ा और जिस वक्त कोरोना से मुक्त हुए पेशेंट को छोड़ा गया उसके घर पर, उस वक्त वहां पर लोगों ने फूलों से तालियों से स्वागत किया। एक तरह से ये कह सकते हैं संदेश दिया है, मुमरा से लगकर दीवा में एक कोरोना पेशेंट और वो भी पूरी तरह 14 दिन में ठीक होकर घर लौटा। पत्रकारों को अधिकारी ने बताया कि दीवा में लॉकडाउन का पहला तो लोगों ने पालन कर रहे हैं और कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए घर में रहकर जंग लड़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं। और यही वजह है कि कोरोना जैसे संक्रमित मामला दीवा में नहीं फैला है। मुमरा वासी को भी इससे सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ मुमरा ही नहीं बल्कि हर इलाके में, हर शहर को सीखने की ज़रूरत है, सीखना चाहिए। और जो लोग प्रहार टाइम्स में बार बार फ़ोन करके पूछते रहे हैं अभी कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कौन से ऐसे पेशेंट जो ठीक होकर आए हैं, उन्हें भी हम बता दें, दीवा जैसे इलाके में एक पेशेंट पाया गया और वो 14 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गया। और मुमरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हम कल तक की आपको बताते हैं 34 हो गई है। यानी जो लोगों का सवाल था टीवी चैनल सोशल मीडिया पर, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, सिर्फ हमें डराया जाता है, हमारे इलाके में कोरोना पॉजिटिव की सिर्फ खबरें दिखाई जाती है और ये नहीं दिखाया जाता है कि कौन से पेशेंट ठीक होकर आया है। हम आपको सुनाते हैं इस दौरान जो पेशेंट है जो ठीक होकर घर लौटा है वो क्या कह रहा है और मनीष जोशी जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो क्या कह रहे हैं और दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सुनील मोरे वो भी क्या कहे हैं इस पूरे मामले पे, आप सुनिए। कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने का, खांसते में थोड़े हाथ लगाने का, हाथ तुरंत धोने का, क्या एक्चुअली घर पे रहो, साफ सफाई रखो, जिसको ज़्यादा घूमने का भी तो बाई चांस हो गया फिर हॉस्पिटल में कुछ समझेगा, पूरी फैमिली को लेकर पहुँच जाएगा। युवा प्रभाग समिति में ये जो राहुल चौरसिया है, ये हमारी पहली केस है जो 3 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, आज उसको डिस्चार्ज मिला है और वो एकदम ठीक ठाक, तबीयत उसकी ठीक ठाक हुई और आज वो घर पे लौटा है। देखिए हमने जो हमारी जो ड्यूटी है हमने ड्यूटी निभाई है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल कॉरपोरेटर हैं, ये सब लोगों की सहयोग से हम सब ये कर सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब आपकी एंट्री हुई तब देखा रास्ते पे कोई पब्लिक नहीं है, ये जो लोगों के जो स्वयं स्फूर्ति से उन्हें हमको सहयोग दिया है। सीखने की ये जरूरत है कि आज हमारा ग्रीन जोन हो गया, पेशेंट था तो रेड जोन था, आज हमारा ग्रीन जोन हो गया, तो अगर हमारा ग्रीन जोन, अभी हमारी जिम्मेदारी जो है जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारा जो ग्रीन जोन है हमको एक ग्रीन ही रखना है अभी। और ये कोरोना पे एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और कोरोना को दूर भगाओ। ये 3 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आज वो ठीक ठाक तंदुरुस्त अपने घर वापस आ गए। इससे मुझे आपको ये कहना है कि ये जो बीमारी है इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बीमारी का इलाज होता है, आदमी ठीक ठाक घर भी वापस आता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि ये बहुत जल्दी एक दूसरे से फैल जाती है और उसकी वजह से काफ़ी तकलीफें होती हैं। इसीलिए प्रशासन की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिए, बाहर निकले तो मास्क लगाइए, हर समय अपने हाथ धोते रहिए, अगर आप ये 3 चीज़ करते रहे तो मुझे नहीं लगता आपको ये बीमारी कभी भी होगी। आज दीवा प्रभाग समिति के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और एक अच्छा और खुशी का दिन है कि आज हमारा राहुल चौरसिया ठीक ठाक होके अपने घर वापस आया। इसके लिए मैं राज्य सरकार, हमारे जिला के पालक मंत्री, ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर,
दीवा प्रभाग समिति के सर्व सम्माननीय सदस्य और प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक सर्वसाधारण घर का लड़का राहुल चौरसिया, उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि वो 14 दिन खत्म होते होते ही अपने घर ठीक ठाक वापस आ गए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।